लड़ाई में देश की आजादी के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया, या 1977 में जब इमरजेंसी लगी बहुत सारे लोग उसके विरोध में जेल गए और बाद में उनको सम्मानित किया गया। 2025 में दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी के साथ आएगी और इन तमाम कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। मैं आज इसकी घोषणा कर रहा हूं। हमारे कार्यकर्ताओं को एक बात जरूर समझ आनी चाहिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को केवल केवल एक सरकारी कोठी रहने के लिए दी जा सकती है। दिल्ली में चौधरी ब्रह्म प्रकाश मुख्यमंत्री रहे, पूर्व निहाल सिंह मुख्यमंत्री रहे, वीके मल्होत्रा जी मुख्यमंत्री रहे, राधा रमन जी मुख्यमंत्री रहे, केदारनाथ सहनी जी मुख्यमंत्री रहे, जगप्रवेश चंद्रा जी मुख्यमंत्री रहे, मदनलाल खुराना जी मुख्यमंत्री रहे, साहिब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री रहे, सुषमा स्वराज भी मुख्यमंत्री रही, शीला दीक्षित भी मुख्यमंत्री रही, जितने मुख्यमंत्री रहे सभी के पास एक कोठी थी। अरविंद केजरीवाल ने अपने अगल बगल की दो कोठियों को भी तुड़वाकर अपने मुख्यमंत्री निवास में सम्मिलित कर दिया। सरकारी अधिकारियों के भी जो फ्लैट बनाए गए थे उनको तोड़कर भी उनको भी मुख्यमंत्री निवास का हिस्सा बना दिया गया। तो नियमों का उल्लंघन हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने सरकारी घर की सार सज्जा पर, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझ आना चाहिए कि आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने 15 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं किया है। तो अरविंद केजरीवाल, आपने एक कोठी की जगह 4 कोठी ले ली, आपने 15 लाख रुपया अपनी मकान की साज सज्जा पर खर्च करना था, आपने 45 करोड़ रुपया खर्च किया है। तो आपके खिलाफ आज नहीं तो कल FIR होगी, गिरफ्तारी होगी। और जहां सतेंद्र जैन और इसके फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया है, अरविंद केजरीवाल तेरी भी जगह उसी तिहाड़ जेल में होगी। आज मैं इसकी घोषणा करना चाहता हूँ।